press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसीलिए रिश्ता क्या कहलाता मैं, फिर आ गया एक नया सियापा। एक तरफ जहां नक्श और कार्तिक को मिल गया था विटनेस, तो दूसरी तरफ उस विटनेस को हो जाता है एक्सीडेंट। दरअसल हुआ यूं कि नक्श को मिला है एक आदमी मोहन, जो है विटनेस उस क्राइम का जो अभिषेक और लव और कुश ने किया था त्रिशा के साथ। नक्श की जानकारी के हिसाब से उसका हुआ हूबहू उस इंसान से मिलता है जो उन्हें दिखता है मार्केट में। फिर क्या था, जल्द से जल्द नक्श और कार्तिक को ढूंढना था उस आदमी को, और वो दोनों निकल पड़ गए हैं एक मिशन पर। फिर अचानक उन्हें मोहन दिख जाता है। कार्तिक करता है मार पिटाई, फिर भी इस बीच आ जाता है एक ट्रक और हो जाता है हादसा। अब देखना ये है कि क्या ये आखिरी विटनेस भी चला जाएगा उनके हाथ से। एक चश्मदीद गवाह मिले जो मौके पर ही मौजूद थे, और ऐसा था कि पहले तो हमें ढूंढना था कि है कौन, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता कि कोई गुब्बारे वाले हैं और वो चश्मा पहनते थोड़े मोटे से है, दैट इज़ द ओनली डिस्क्रिप्शन वी नीड। एंड तो वैसे गुब्बारे वाले को ढूंढना ही बहुत मुश्किल था, एक दिन पहले से हम ढूंढ रहे होते, उस दिन नहीं मिलते ये। नेक्स्ट डे हम जब जा रहे होते हैं तब नक्श से पता चलता है कि वो एक ऐसे बंदे को देख चुके हैं, सो दैट इज़ द पॉइंट वेर वी स्टार्ट रनिंग बिहाइंड हिम एंड ही अग्रीज टू एवरीथिंग बिकॉज ही सीन इट। वो देख लेते हैं, तो वो फिलहाल तो हमारे साथ है, लेकिन आगे देखते क्या होता है। फाइट भी चल रही है गुब्बारे वाले के साथ? हाँ, क्योंकि हमारे साथ तो देते हैं वो, लेकिन उन्हें उतने में ही कोई धमकाने आ जाता है जब वो अपनी वाइफ से मिलने जाते हैं, जब अपनी वाइफ को सारी चीज़ें बताने जाते हैं, तो कोई धमका देता है उन्हें, तो बहुत डर जाते हैं कोर्ट जाने से। एंड यू नो दैट इज़ अ पॉइंट वे वी डोंट नो वे ही इज़, हम ढूंढने लगते हैं उन्हें पर वो मिलते नहीं। जब वो मिलते हैं तो हम उनसे पूछ रहे कि क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा तुमसे? एंड वहाँ पर कोर्ट में सब वेट कर रहे हैं कि हम इस गवाह को लेके कोर्ट में जाना है। एक्सीडेंट भी होने वाला है, किसी को शक है? एक्सीडेंट भी होने वाला है, हाँ ऐसा कुछ होने वाला है ना, ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है। नहीं नहीं बस अभी शक है, अगर जानना चाहे तो जो ये पूरा किया है किसने, वी कैन नो दैट लव क्वेश्चन अभिषेक हैज डन। हम उन्हें वो तो एक्सेप्ट कर चुके थे कि उन्होंने ही किया घर के बच्चों का काम, पर अभिषेक के साथ मिलकर, एंड हम उन्हें सज़ा भी देने वाले थे पर अपनी तरीके से। उतनी सख्त सज़ा नहीं होती शायद जितना एक पेरेंट अपने बच्चे को सज़ा देता है, बस उतना ही होता। तो कहीं ना कहीं उस बात पे ही जो टू माइंड्स हो गया है फैमिली की तरफ और नायर और कार्तिक की तरफ, तो वो उसी पे है। बट वी नो कि अभिषेक लव एंड कुश हैज डन। थैंक यू।